Hello everyone, welcome back, and I hope you all going good. So students, I am Nitin Chawla here. जैसा मैंने आपको कहा था, मैं आपको quick updates देता रहूँगा अपने channels के through. लेकिन इस बार मैं late हुआ हूँ. मुझे पता था कि ये कल news आ चुकी है ICMIA की तरफ से, Institute of Cost Accountants of India, जो कि ICAI भी अब हो चुका है. तो उस situations में मुझे पता है कि updates आ गई थी कल, लेकिन मैं late था. लेकिन आज मैं आपको अपडेट्स कर देता हूँ उस बारे में, जो भी स्टूडेंट्स को नहीं पता है. तो अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्विक अपडेट्स के लिए प्लीज पहले को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन्स को प्रेस कर लीजिएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको बता देता हूँ क्या इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको निकाला गया है ICMIA की तरफ से. तो CMA इंस्टीट्यूट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, जिसको मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके आपके सामने रखा है. 18th of October 2020 पे ये आपका एक नोटिफिकेशन है. स्टूडेंट्स, आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि 18th of October पे जो नोटिफिकेशन आया, तो मैं सरप्राइज था. क्यों? क्योंकि ICMIA, यानी कि जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, अगर ICMAI यानी कि जो CMA इंस्टीट्यूट है और CS इंस्टीट्यूट को कंपेयर करें किसके साथ, ICAI के साथ, तो ICAI के साथ अगर हम उसको कंपेयर करते हैं, तो बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर में ये ICAI, हमारा जो इंस्टीट्यूट है ICAI, ये हमारे दोनों इंस्टीट्यूट से इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो अगर आपको पहले मैं नोटिफिकेशंस पढ़ा देता हूँ, फिर उसका डिस्कशन करेंगे 2 मिनट. तो देखो, इसमें नोटिफिकेशंस में ये लिखा है कि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस फॉर मर्ज इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जामिनेशंस, यानी कि जो CMA का एग्जाम्स आपका पहले कैंसिल हुआ था, उसको इन्होंने मर्ज करके अब इन्होंने दिसंबर में मंथ में रखा है. और दिसंबर मंथ में रखने पे जो मर्ज इंस्टीट्यूट हुए थे इंटरमीडिएट और फाइनल एग्जामिनेशन के, तो इन्होंने कहा था, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट द इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जामिनेशन इन दिसंबर 2020 इन ऑनलाइन मोड. सर, आप ये देखिएगा, ऑनलाइन मोड. एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर चुका है CMA इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन मोड का नोटिफिकेशन ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है. दिस इज द मर्ज एग्जामिनेशन ऑफ बोथ June 2020 टर्म्स एंड December 2020 टर्म्स टू एंश्योर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड इन पर्टिकुलर द कैंडिडेट स्टूडेंट्स. ड्यू टू पेंडेमिक नोवल कोरोना वायरस द इंस्टीट्यूट वुड होल्ड द एग्जामिनेशन विद 2 ऑप्शंस. यानी कि स्टूडेंट देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने बोल दी है कि 2 ऑप्शंस के साथ ये एक अनाउंसमेंट किया है इन्होंने. और 2 ऑप्शंस क्या है यहाँ पे, सेंट्रल बेस्ड ऑनलाइन मोड और होम बेस्ड ऑनलाइन मोड. यानी कि अगर आप ऑफलाइन एग्जाम देना चाहते हैं तो देन यू कैन ऑप्ट दैट. अगर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन देते थे तो देन यू कैन ऑप्ट दैट ऑन द होम बेस्ड ऑनलाइन मोड एग्जामिनेशन. सो स्टूडेंट्स, एक तो सेंट्रल बेस्ड ऑनलाइन मोड और होम बेस्ड ऑनलाइन मोड, जो भी CMA के स्टूडेंट्स अभी फिलहाल देख रहे हैं, उन दोनों के लिए ये 2 ऑप्शंस उनको दिए गए हैं. और साथ ही साथ ऑल कैंडिडेट स्टूडेंट्स विल हैव टू अपियर इन द मर्ज इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 थ्रू ऑनलाइन मोड एज पर ऑलरेडी नोटिफाइड टाइम टेबल. यहाँ पे इन्होंने टाइम टेबल्स भी इन्होंने नोटिफाइड कर रखा है, उसके हिसाब से ही ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा. द डिटेल्स आर एज फॉलोस: रेलेवेंट नोटिफिकेशंस, इंस्ट्रक्शंस, लॉगिन क्रेडेंशियल्स, ऑप्शंस, सिलेक्शंस एंड यूआरएल लिंक विल बी गिवन इन ड्यू टाइम्स. यानी कि वो कह रहे हैं कि जिस हिसाब से भी इनका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन होगा, जो इंस्ट्रक्शंस होंगे, जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको करनी पड़ेगी, ऑप्शन सिलेक्शन रहेंगे, जो भी यू आर एल लिंक्स होगा, उसको ड्यू टाइम्स पर दे दिया जाएगा. और एक कैंडिडेट स्टूडेंट हु इज कंप्लीटिंग ऑल कंडीशन फॉर अपियरिंग द एग्जामिनेशन एज पर द रेगुलेशन विल ओनली बी अलाउड टू बी अपियर. यानी कि जो कंडीशन रखी जाएंगी फॉर टू गिव द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, उसको अगर आप फुलफिल कर देते हैं, इन दैट पर्टिकुलर यू कैन ऑप्ट होम बेस्ड ऑनलाइन मोड एग्जामिनेशन. सो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दिया है CMA इंस्टीट्यूट ने. द कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू कीप रेगुलरली इन टच विद द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट रिलेटिंग मर्ज इंटरमीडिएट एंड द फाइनल एग्जामिनेशन दिसंबर 2020. इन केस ऑफ एनी क्वेरी और क्लैरिफिकेशन कैन ईमेल स्टूडेंट CMA इंस्टीट्यूट. CMA के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो अगर देख रहे हैं उसको, वो चीज को ध्यान रखते हुए उसको मैं आपको बताता हूँ. CMA जो भी CMA के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सबसे बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिल चुका है अब एग्जामिनेशन को देने का. और ऑनलाइन सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है कि जहाँ पे एग्जामिनेशन को कराना बहुत ही अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन CMA इंस्टीट्यूट ने वो करके दिखाया है. मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ICAI से भी,
आईसीएआई इंस्टीट्यूट से भी वहां के प्रेसिडेंट जो हैं अतुल कुमार जी एंड रेस्पेक्टेड काउंसिल मेंबर, मेरी आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, बिकॉज हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो इसके लिए एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि 18 अक्टूबर पे जब ये नोटिफिकेशन आया तब मैं सरप्राइज था, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात होती है एक रिमोट प्रॉक्टिंग पे एक एग्जामिनेशन लेना, और सीएमए के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो एक तरह से बहुत ही रिलीफ कर रहे होंगे महसूस कि यस एग्जामिनेशन फाइनली हमारे होने जा रहे हैं ऑनलाइन और सेंट्रल बेस्ड, जो भी आप चाहें उसके दे सकते हैं। सो स्टूडेंट्स होप करते हैं आईसीएआई से भी कि वो कमिंग डेज में कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी आईसीएआई को बिल्कुल क्लैरिफिकेशन के साथ आना चाहिए, सर्टेनिटी के साथ आना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि अब इंस्टीट्यूट बिल्कुल, मैं आशा करता हूं इंस्टीट्यूट से ऑब्वियसली बात है कि इंस्टीट्यूट आएगा और आपके साथ एक वेबिनार भी कंडक्ट करेंगे जहां पे, क्योंकि सीएमए ने करके दिखाई है ये बात और सीएमए एक बहुत एक एडवांस लेवल पर अपने आप को लेके जा रहा है जहां तक, क्योंकि आईसीएआई का अगर मुझे लगता नहीं था कि आईसीएआई इतना डिले करेगा जहां पे बच्चों का भी प्रॉब्लम्स है। ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाहिए क्योंकि आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सिचुएशंस कब एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी ये कोई नहीं जान सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो कि मैं आपको बताने में लेट हो गया, तो थैंक्स अ लॉट गाइस। एंड अभी तक किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स दीजिएगा और लाइक शेयर जरूर करना ना भूले। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट गाइस।